हेलो दोस्तों, तो हम लोग आए हुए हैं पटना घूमने और हमारे भाई का ये फ़ोन अचानक से टूट गया, तो हम लोग इसको बनवाने जा रहे हैं। तो हमें पता चला है एक जगह बाकरगंज जो कि गांधी मैदान के आसपास है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और इस फ़ोन को बनवाते हैं और देखते हैं कि कितना खर्च लगता है। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं बाकरगंज के लिए और हम लोग यहाँ से जाएंगे, ऑटो लेंगे गांधी मैदान के तरफ। उस साइड में बाकरगंज पड़ता है, तो वहीं से हम लोग जाएंगे। तो ये देखो हमारे सामने है पटना विश्वविद्यालय पटना, और अभी हम लोग जाएंगे एटीएम, वहां से कुछ कैश निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एटीएम नियर बाई कहीं पे। तो हमारा भाई अभी एटीएम से पैसे निकाल रहा है, तो और हम यहां पे वेट कर रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों उस साइड में पटना मेट्रो बनने की तैयारी चल रही है बहुत ही ज़ोर शोर से। तो ये देखिए गाइस हम दिखा रहे हैं, और ये है पटना की सरकारी बस। तो गाइस हम लोगों ने पैसे निकाल लिया है और अब हम लोग जाएंगे बाकरगंज, जहाँ पे अपने भाई का फ़ोन बनवाएंगे। और तो अभी हम लोग थोड़ा सा गूगल कर ले रहे हैं और देखते हैं कि कितना डिस्टेंस है। हाँ, 2 किलोमीटर है डिस्टेंस। तो हम लोग सोच रहे हैं पैदल जाए या फिर ऑटो ले ले। तो क्या कहिए जाए, ऑटो ले लिया जाए? देखते हैं दोस्तों, अगर ऑटो मिल जाता है तो ऑटो ले लेंगे, वरना हम लोग पैदल निकलेंगे बाकरगंज के लिए। तो चलिए वेट करते हैं। हम लोग निकल चुके हैं बाकरगंज के लिए, हमें एक भैया मिल गए हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे बाकरगंज। वहाँ पे देखते हैं कि हमारे भाई का फ़ोन जो है वो कितने में बन रहा है और कौन सा डिस्प्ले लगा रहा है, वो सब क्वालिटी देखेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं वहाँ, चल के आपसे बात करते हैं, तब तक के लिए बंद करते हैं। हम लोग बाकरगंज पहुँच गए हैं और चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसा है बाकरगंज और क्या हमारा फ़ोन बन पाता है या नहीं। तो देखिए कुछ इस तरह से गली है ये बाकरगंज, जो गांधी मैदान से पहले ही पड़ेगा। तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे अपना फ़ोन सर्विस कराने या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का भंबार है यहाँ पे, तो आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ठीक कराने या नई लेने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना चमकता धमकता बाकरगंज का मार्केट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का भंबार है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की हर चीज़ मिलेगी, डीजे, मोबाइल, मोबाइल रिपेयर वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहीं पे, चलिए अब चलते हैं थोड़ा और आगे और देखते हैं कि फ़ोन कहाँ बनाते हैं हम लोग। हम लोगों ने इसको फिक्स कर लिया है इस दुकान पे, ये भैया जी हमारे फ़ोन बनाएंगे और इसका रेट लगाया है इन्होंने, टच और फोल्डर दोनों का 1600 बोले हैं, लेकिन हम लोगों ने काम कराया है 1450 पे ला के रखे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा फ़ोन कैसे बनता है। देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे फ़ोन गर्म हो रहा है, अभी गर्म होने के बाद भैया खोलेंगे, भैया बहुत शर्मा रहे हैं। हम लोग अंदर बैठे हुए हैं दुकान के और हमारा फ़ोन वहाँ पर रखा हुआ है और बनेगा। देखिए दोस्तों ये है मोबाइल खोलने का बहुत ही अजीबोगरीब तरीका, ये आप लोग नहीं खोल पाएंगे, ये बस यही खोल पाएंगे क्योंकि ये सालों से कर रहे हैं तो इनके पास एक्सपीरियंस है। देखिए अभी इसको खोला जा रहा है, बहुत ही प्यार से खोला जाएगा, ये सब इन लोगों का टेक्निक है। हम लोग घर पे इसको ट्राई नहीं कर सकते हैं क्योंकि कब क्या हाथ में आ जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो देखिए भैया इसको खोल रहे हैं बहुत ही प्यार से, तो ये देखिए भैया मोहब्बत से खोला जा रहा है इस चीज़ को, ये बहुत ही निहीन काम है। इसते हैं कि इसके अंदर क्या है, अरे वाह, ये देखिए दोस्तों ये आजकल का फ़ोन है जिसमें बैटरी फिक्स आती है। एक पहले का टाइम था कि हम लोग बैटरी निकाल सकते थे, तो इसमें आप क्या कीजिएगा बताइएगा। इसमें अभी डिस्प्ले लगेगा, ये डिस्प्ले टूटा हुआ है तो अभी डिस्प्ले इसमें चेंज करेंगे, देखते हैं ऑन होता है कि नहीं, पहले तो ये देख लेते हैं उसके बाद फिर बताते हैं आपको। फोल्डर के साथ डिस्प्ले लगेगा ना? हाँ, पूरा कम्प्लीटली फोल्डर आता है इसका, कॉम्बो आता है जिसको, अगर टच इसका रहता तो अलग से टच भी लगता है, लेकिन इसका दोनों कॉम्बो टूटा हुआ है। अच्छा। तो इसके बाद चेंज करके देखते हैं क्या इसका ऑन होता है कि नहीं। चलिए गाइस भैया ने जितना बताया शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। भैया डिस्प्ले लगाएंगे और उसकी वारंटी भी होगी ना डिस्प्ले की? 6 मंथ की गारंटी है, 6 मंथ की गारंटी है। 6 मंथ के अंदर में कुछ भी हुआ डिस्प्ले में, कोई भी इशू हुआ तो यहाँ पे आके आप चेंज करवा सकते हैं। लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी बनवाना हो, कोई भी बात करना हो तो यहाँ पे आइए, आपका काम हो जाएगा। आइएगा, हमारा नाम रखिएगा, डिस्काउंट भी हो जाएगा यहाँ पे, समझे। ये देखिए कैसे खोला जा रहा है, ये हाथों का कमाल है, ये स्पीड देखिए इनके हाथों का, एकदम फटाफट चल रहा है। डिस्प्ले और फोल्डर दोनों को निकाला जा रहा है सामने से। We'll be right back.
ये क्या था? ये आपका पैनल है, पूरा बोर्ड को कवर करता है। अच्छा, ये पैनल है। हाँ, वाटर भी जाने से बचाता है। हीट करने के बाद डिस्प्ले निकला। हाँ, हीट करने के बाद ही निकलेगा, क्योंकि ये लबर टाइप का गम होता है। अच्छा। उससे चिपका हुआ बहुत टाइट ही रहता है, इसको हीट करेंगे तो ग्लू आपका नॉर्मल होगा, उसके बाद डिस्प्ले निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये है डिस्प्ले, मार्स कंपनी का है, जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन भैया ने हमें दिया बस 1450 रुपये में। तो देखिए कितना अच्छा है डिस्प्ले, तो इसे भैया लगाएंगे। अच्छा ये बताइए, डिस्प्ले वगैरह लाते कहाँ से आप लोग? हम लोग दिल्ली से भी आता है, चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट करता है बाकरगंज, और हाँ कोलकाता से भी आएगा, मुंबई से भी आएगा। अच्छा। मतलब जहाँ भी अपना सुविधा लगे, जहाँ भी कम रेट में अच्छा रेट मिल जाए। हाँ। उस पर डिपेंड करता है। गारंटी का क्या सीन है? मतलब कि गारंटी में इसमें क्या होता है, अगर फूटने का तो कहीं भी सर्विस सेंटर भी गारंटी नहीं देती है, और ये सिर्फ यहाँ पे है कि ब्लैंक हो गया, जैसे टच काम नहीं कर रहा है, होता क्या है कि लगाने के बाद टच वर्क नहीं कर रहा, तो उस पर उस टाइम आइएगा चेंज हो जाएगा। अब लाइनिंग का नहीं होता है, फूटने का नहीं होता। तो देखिए डिस्प्ले ऑन होने वाला है या हो गया है? ऑन हो गया है, सही है। डार्क मोड में उसमें वो लगाएंगे नहीं आप लोग, क्या बोलते हैं वो? अभी हम गम वगैरह अभी हम अच्छा 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 मान लिया, हो सकता है हम लोग लाएँ खराब हो निकल चुका होगा, तो उस वारंटी में अभी अभी मैंने इसको निकाल कर चेंज कर सकते हैं। अच्छा। अगर मान लीजिए कि अभी हम गम लगा दें तो इसका फिर चेंज नहीं कर सकते, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हम लोग पहले इसको ऑन करके देख लेते हैं, उसके बाद क्या सही है नहीं है अपने आप में कन्फर्मेशन हो जाता है, तभी कस्टमर को दे पाते हैं। तो इन्होंने इस तरह से डिस्प्ले को टच को चेक कर लिया है, चेक करने के बाद कन्फर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद इसको परमानेंट फिक्स करेंगे ग्लू वगैरह लगा के। तो दोस्तों अभी इसको चिपकाया जा रहा है ग्लू से, और क्या क्या होगा उसके बाद? उसके बाद डिस्प्ले इस पे चिपकाया जाता है, उसके बाद फिनिशिंग किया जाता है, जैसे पहले था वैसे फिर से फ़ोन से कस देना है, उसके बाद आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। ढाकू को लेना होगा, जैसे हिलना वलना? नहीं नहीं हिलना नहीं, वो क्या होता है ना कि अगर ये गर्मी से ज़्यादा गर्मी है ना, तो उस दौरान कभी कभी क्या होता है ना कि ग्लू वगैरह ढीला हो जाता है। अच्छा। तो उस दौरान कोई भी दिक्कत हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं कभी भी, उसके लिए दिक्कत नहीं है। एक बार बता दीजिए आपका ये दुकान कहाँ पर पड़ेगा? मेरा बाकरगंज बैनाथ मार्केट है, वो यहाँ पर हम लोग मतलब मोबाइल भी बनाते हैं, लैपटॉप ज़्यादातर बनाते हैं, लैपटॉप हम लोग फील्ड वर्क में भी मेरा काम चलता है, जैसे मैं जहीं कहीं पे 100 पीस लगाना हो, 50 पीस लगाना हो, कहीं भी सिस्टम का काम लेना हो, लगाना हो, कहीं भी आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। चलिए दोस्तों, आप लोगों को इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें पता चली, आप लोगों को कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा इस वीडियो में, आप लोग वहाँ से इनका नंबर ले लीजिएगा और कॉल करके बात कर लीजिएगा, कोई भी इशू हो यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। आप ये नया डिस्प्ले ऊपर से चिपकाया जा रहा है कुछ इस तरह से, देखिए दोस्तों क्या है पैनल? ये पैनल, हाँ ये पैनल लगाया जा रहा है। सिम स्लॉट है? नहीं सिम स्लॉट वहाँ पर, ये स्पीकर है। अच्छा स्पीकर है, ये देखिए पैनल कुछ इस तरह से लगा दिया गया ने, इसको बराबर से सही जगह पे इसको बैठाया जा रहा है। अभी देखिए ये पूरी सही जगह पे बैठ गई, पैनल और डिस्प्ले और फोल्डर सब एक साथ। ये तो कल लगना कंप्लीट होने जा रही है। अब क्या क्या बच गया काम इसमें? इसमें बस सब पैनल, इसमें स्क्रू वगैरह कसेंगे अभी और ये बैक पैनल कसेंगे, आपका फ़ोन रेडी हो जाएगा। अच्छा कब से यूज कर पाएंगे हम इसको? आप अभी से भी यूज कर सकते हैं, इमरजेंसी में अगर हो इमरजेंसी कॉल वगैरह आ जाए तो आप यूज कर सकते हैं, और नहीं तो इसको 5 आवर के लिए आपको छोड़ देना, इसको गम को सूखने के लिए। अच्छा। ये जो गम होता है ना वो अच्छे से चिपकने का काम करता है, तो अच्छे से चिपक जाएगा ना तो आपको स्मूथली काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अच्छा। ठीक है, अब एक टेप लगेगा वो आप देखिएगा, रबड़ लगा दीजिएगा ना? नहीं टेप लगेगा, टेप लगेगा, क्योंकि रबड़ जो होता है ना लगाने के बाद पैटर्न खोलने के लिए होता है, तो कस्टमर वगैरह पैटर्न खोलने में क्या होता है ना डिस्प्ले को क्रैक कर देते हैं। अच्छा, इसके वजह से हम लोग अब टेप लगाते हैं। सही कहते हैं, क्योंकि पहले रबड़ लगा दिया था पहले। ये कोई काम कर नहीं रहा अब? नहीं ये बेकार। देखिए दोस्तों ये पूरी तरह से टूट गई है, बैक पैनल है, ये बैक पैनल है, इसके अंदर में ग्लू लगा दिया गया है चारों साइड से, जैसे परफेक्ट पहले बैठा कलर बैठेगा ग्लू लगाया जाए। अच्छा तो इसमें ग्लू लगा दिया गया, अब इसको बैठाया जाएगा, तो इसको बहुत ही अच्छे तरह से इसको सेट किया जा रहा है, पूरी काम यहाँ पे फिनिशिंग हो रही है, थोड़ा सा भी पता नहीं चलना चाहिए कि कुछ हुआ है इसमें, तब पहले जैसा फ़ोन हो गया है हमारा। देखिए गाइस अब टेप लगाया जा रहा है, टेप को 5 घंटे बाद निकाल देंगे ना। दोस्तों हमारा फ़ोन हो चुका है तैयार, अभी 5 घंटे बाद यूज करेंगे इसको, छकास लग रहा है बहुत। भैया कार्ड पे वारंटी लिख रहा है यहाँ पे, ये कार्ड पे वारंटी लिखा रहा है, और उसके बाद पेमेंट हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे अब।
भाई। ये देखिए दोस्तों, ये है इनका कार्ड और इनके पीछे है हमारा वारंटी और ये हमारा फ़ोन और हो चुका है पेमेंट। तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। भैया लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो गाइज आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।